हेलो स्टूडेंट्स, समझिए यहाँ पे जो है पेपर कोड को लेकर बोले तो सब्जेक्ट कोड को लेकर बहुत सारा जो है मसला कुछ नहीं है, बात को जो है बड़ा हो रहा है। समझिए यहाँ पे इस वीडियो को हम दावे के साथ कहते हैं, अगर इस वीडियो को पूरा बिना स्किप किए देखिएगा तो पूरी अच्छी तरीके से जो है आपको समझ में आएगा क्या करना है और क्या नहीं। देखिए कल भी एक दिए हुए थे वीडियो बनाकर कि उसमें जो है प्रॉब्लम आ रही थी कि पेपर कोड बोले थे उसमें ध्यान नहीं देना है। अब क्या बात आती है, देखिए जैसे कि आप सभी को पता है LLMU द्वारा पेपर कोड चेंज कर दिया गया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को समझ नहीं आता है कि पेपर कोड देंगे कौन सा, तो ये बात को जो है यहाँ पर हम बताएंगे कि आपको क्या करना और क्या नहीं। तो देखिए फर्स्ट वाला भी पेपर कोड और जो बाद में हम डाउनलोड किए वो वाला भी, जो अभी जो न्यू एडमिट कार्ड निकल के आया है उसमें जो आपका मेजर और माइनर का जो न्यू कोड है वो सही कोड है, ठीक है। न्यू वाले में, ओल्ड वाले में जो कोड आपको दिखाई दे रहा है वो गलत है। तो करना क्या है इस बात पर हम इस वीडियो में बताएंगे। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स का कल है आपको एग्ज़ाम माइनर का, और बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे उनका हो भी गया है माइनर का एग्ज़ाम, ठीक है, तो उनका भी सब्जेक्ट चेंज देखने को मिल रहा है। तो जिनका सब्जेक्ट हो गया है माइनर का और पता नहीं चला तो उनसे भी उनको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। और जिन स्टूडेंट्स को पता चला है वो अपना जो है पुराने नए वाले एडमिट कार्ड पर जो सब्जेक्ट कोड होगा उसको डालेंगे। परीक्षा सेंटर में आपको अगर याद हो जाए माइनर और मेजर का जो सब्जेक्ट कोड है, मेजर वाला तो पुराना ही दिए होंगे, अगर माइनर वाला याद हो जाता है तो न्यू वाला एडमिट कार्ड ले जाने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर नहीं याद होता है तो आपको दोनों एडमिट कार्ड ले जाना है, मोहर वाला एडमिट कार्ड मैंडेटरी रहेगा। आइए समझते हैं कैसे एडमिट कार्ड में क्या चेंजेस हुआ है। हेलो स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पे ये जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे इनका पहले जो हम बताए थे कि आपको पेपर कोड चेंज देखने को मिला है, तो ये जो है आपका पेपर कोड न्यू वाला है, ठीक है। और अभी जो पेपर कोड दिखा रहे हैं ये ओल्ड वाला है, कौन सा है, ओल्ड वाला, ठीक है। तो ओल्ड वाला में देखिए यहाँ पे पेपर कोड के सेशन में क्या है, पहले इसमें से दो को आपको भिन्न दिखाई देगा, डिफरेंस दो को दिखाई देगा, 2101 और 2109, बाकी ये सब सेम है। 2114 है और 2803, यहाँ देखिए 2114 और 2803, ठीक है। बाकी दो सब्जेक्ट जो है यहाँ पे आपको पेपर कोड अलग दिखा रहा होगा, यहाँ 2524 है, ये है क्या, ओल्ड वाला। तो इस पर जो है आपको ध्यान नहीं देना है, ठीक है। पहला वाला मैंने बताया ना कि पहला वाला आप एग्ज़ाम दे दिए होंगे उससे कोई दिक्कत नहीं है, उसको छोड़ दीजिए, वो यूनिवर्सिटी अपना सुधार लेगी। सेकेंड वाला में जो भी स्टूडेंट्स हैं एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट का, अभी एडमिट कार्ड न्यू वाला डाउनलोड कर लीजिए, अगर ले जाना चाहे तो आप, अगर ये याद हो जाती है सब्जेक्ट कोड, इसका जो न्यू सब्जेक्ट कोड होगा आप सभी का कॉमर्स स्टूडेंट का 2109 होगा एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट का, ठीक है। तो इसको जो है आपको पेपर में जो यहाँ पर करते हैं आप, यहाँ पे पेपर कोड जो लिखते हैं तो सब्जेक्ट कोड को ये लिखिएगा, पेपर कोड को 2101 न्यू वाला, ठीक है, न्यू वाला यहाँ लिखना है 2109, फिर पेपर कोड एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट, नेम, डेट ऑफ एग्जाम 27 तारीख, कॉपी नंबर आपको वहाँ मिलेगा, आंसर IDR जो होता है बुकलेट नंबर वो, और यहाँ पे वो साइन करेगा, ठीक है। पहला खाने में तो आपको भरा होगा पहला वाला मेजर वाला, अब माइनर वाला में जो है आपको न्यू वाला जो ये है पेपर कोड वो भरना है, ठीक है। तो यहाँ पर सारा आप कन्फ्यूज़न खत्म हुआ। अब समझिए एक और उदाहरण देते हैं आपको, ये देखिए ये है न्यू वाला, ये 8 स्टूडेंट्स हैं, तो ये है न्यू वाला और ये एडमिट कार्ड है आपको ओल्ड वाला। ओल्ड वाला में भी इनका भी दो चेंजेज है, मेजर का और माइनर का। डाटा सेंटर बहुत सारी जो गलती है प्रॉब्लम वो पहले कर दी हुई थी, लेकिन अब जो है मेजर और माइनर के सब्जेक्ट को सुधार लिया गया है। देखिए अब कहिएगा जिनका जो आज एग्ज़ाम था उनको तो समझ, देखिए वो लोग भी अगर उनको पता नहीं था तो वो अपना जो है कोई दिक्कत नहीं होगा, यूनिवर्सिटी की गलती थी ये सारी तो उनका कोई दिक्कत नहीं होगा। बट आने वाला जिसका सब्जेक्ट है कॉमर्स डिपार्टमेंट वाला का, जिनका भी एग्ज़ाम अगर 27 तारीख को होगा तो वो अपना जो है यहाँ पर पेपर कोड देख लेंगे या इसका PDF जो है आपको प्रिंट करवा के दोनों एडमिट कार्ड ले जाएंगे। ध्यान रखिएगा एंट्री के लिए आपका मैंडेटरी है मेजर वाला, सॉरी जो आपका पुराना वाला है वो जिसपे स्टाम्प लगा हुआ है और सिग्नेचर है प्रधानाचार्य का, और जो अभी न्यू वाला निकला है उसमें पेपर कोड सही है तो पेपर कोड अपना माइनर वाला सही से डालिएगा, ठीक है। समझ गए, तो दो ही लफड़ा है यहाँ पर मेजर का और माइनर का, बाकी सब जो है आपका कोड सही ही है। तो बस जिसका भी छूटा होगा मेजर वाला वो ध्यान देख कर जाइएगा या अपना प्रिंट करवा लीजिएगा और दोनों को जो है अंदर ले जाइएगा, ठीक है। आई होप जो है वीडियो आपको समझ में आया होगा, पूरी जानकारी हमने इस वीडियो में बता दी है कि क्या कैसे करना है, ठीक। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो आप हमें कॉमेंट कर सकते हैं, ओके, धन्यवाद। और सारी जानकारी तो आपको हम बता ही दिए हैं, फिर भी अगर टेलीग्राम पर जाकर आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए जय हिंद जय भारत।
ये जितने भी स्टूडेंट्स हमारे ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के हैं, पहला जो हमारा एडमिट कार्ड पे पेपर कोड था, ठीक है, पेपर कोड जो पहले था वो था ये सब 25-24, बाकी ये सब तो 25-24 और 25-25 ये जो है आपको चेंज कर दिया गया किसमें, न्यू वाला में। तो न्यू वाला में अभी जो आया है पेपर कोड वो सही है, क्या है, सही, और बाकी सब देखिए यहाँ पे सेम है। तो आपको करना क्या है, जो भी स्टूडेंट्स अपना माइनर का नहीं दिए होंगे एग्जाम, मेजर वाला तो सब लिख के आएंगे, पुराना वाला माइनर वाला जो नहीं लिख के आए होंगे स्टूडेंट्स, जिनका भी कल अगर एग्जाम होगा 27 तारीख को, तो वो अपना माइनर वाला सब्जेक्ट ये लिखेंगे 21-09, पेपर कोड लिखेंगे 21-09। फिर भी अगर नहीं लिखते तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स का मेजर माइनर का आज था, जिनको भी पता नहीं था तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है, और साइंस वाले का भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये जो है यूनिवर्सिटी की प्रॉब्लम थी, किसकी थी, यूनिवर्सिटी की, तो इसमें हम लोग कुछ कर नहीं सकते, यूनिवर्सिटी अपना जो है पेपर कोड सही करेगी, तो रिजल्ट में कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाला, ठीक है। सारी समरी को बता दिए, धन्यवाद।